आज बना रही हूँ यही आलू छोला और रॉ पपाया का एक सब्जी बन रहा है। और यहाँ पे है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं लाऊ, आप लोग क्या बोलते हैं लौकी। लौकी का जो पत्ता पत्ता है ना, मतलब लौकी का, लौकी जिस तेल तो नहीं बोल सकते उसको, क्या बोलते हैं स्टीम होता है ना वो, स्टीम और पत्ता ये सब, ये सबको मैंने काट के रखी है। और इसके साथ बैंगन और आलू सब कुछ एक साथ काट के रख दिया है। इसको धो के फिर बिठा दूंगी, ये झटपट हो जाएगा खाना। बस यही है आज का खाना हमारा। और यहाँ पे दाल भी बॉईल हो चुका है, सीटी लगा दिया है दाल को, और साथ में है दाल, दाल को थोड़ा सा छौका दे देंगे। और दाल होगा रॉ पपाया, आलू और छोले का सब्जी होगा, और ये वाला साग होगा। बस यही है आज का मेनू, तो झटपट से बनाते हैं, ठीक है? चलिए, तो ये देखिए गाइस, प्रीता मैडम नहा के आ चुकी है, अभी अपना बाल पोछ रही है। और पीछे देखिए कितना सारा सब कपड़ा है, सब धुला हुआ है, सब सूख गया था, अभी सबको अच्छे से, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, अच्छे से सबको मतलब ऑर्गेनाइज करके रखना है, पाट करना है, पाट करना है। और यहाँ पे देखिए पुचकी मैडम क्या कर रही है, और पुचकी, और ये देखिए ये लड़की, इसका बैग हमेशा यहाँ वहाँ मिलेगा, कहीं ऑर्गेनाइज करके नहीं रखेगा, बैग को इधर भी उठा के रख सकती है लेकिन नहीं रखेगी, ये नीचे ही रखेगी। क्या क्या कर रही है, अभी तो इसका नहाना हो गया है, अभी ये पूजा देगी और मैं दिखाती हूँ मेरा खाना कहाँ तक बन रहा है। ये देखिए बाहर पूरा अभी थोड़ा सा अंधेरा टाइप हो गया है,
ठीक है। और यहाँ पे मैं साग बना रही थी, दिखाती हूँ आप सब लोगों को साग कैसा बन रहा है। साग हो गया है ऑलमोस्ट, इसका पानी अच्छे से सूख जाएगा तो ये हो जाएगा। और सब्जी वगैरह देखती हूँ बॉईल हुआ कि नहीं हुआ। आलू थोड़ा सा और कच्चा है, और 10 मिनट रखूंगी तो सब्जी पूरा डन हो जाएगा, सब्जी हो जाएगा रेडी। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी, हम लोग बोलते हैं इसको बोड़ी, बोड़ी फ्राई करके रखा है, छोटा छोटा पोस्तो बोड़ी है ये। इसमें ये पोस्तो बोड़ी नहीं डालना जाता, बड़ा सब बोड़ी डालते हैं, लेकिन मेरे पास फिलहाल अभी यही है तो मैं यही डालूंगी बोड़ी में। ठीक है, अभी मिला देती हूँ। बस ये अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी और 10 मिनट तक रहेगा तो हो जाएगा ये। ढक के इसको छोड़ दूंगी। और यहाँ पे राइस भी बिठा दिया है, राइस हो रहा है हमारा। और ये तो सब बच्चों के लिए जो राइस होता है, बाहर के बच्चों के लिए, गुलगुस्की के लिए राइस, यहाँ पे उन लोगों का बॉयल्ड चिकन सब रेडी हो चुका है। और हमारा यहाँ पे है दाल, दाल को थोड़ा सा तड़का लगाऊंगी या नहीं सोच रही हूँ। और यहाँ पे है पपाया, यहाँ पे पपाया आलू और छोले का सब्जी दिखाया जो आप लोगों को। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा छोला ना मैं ऐसे ही रख दी हूँ, ये सब जो लव बर्ड्स है ना उनके लिए है, वो लोग छोला खाएंगे। ठीक है, तो चलिए मोटा मोटी मेरा किचन का काम, बर्तन वगैरह भी हो चुका है, थोड़ा सा और बाकी है, बस ये हो जाएगा। तो ये कढ़ाई थोड़ा सा वॉश कर लूंगी और गैस को भी, अवन को भी अच्छी तरह से साफ कर लूंगी, तो मेरा आज का कुकिंग कंप्लीट। और यहाँ पे देखिए आपके भैया क्या कर रहे हैं, घर साफ कर रहे हैं, बिस्तर को अच्छे से, बिस्तर हो गया है क्लीन, बेड क्लीन हो गया है, अभी ऑर्गेनाइज होगा, मतलब कुशन वगैरह सब अभी बेड पे रखेंगे। और अभी यहाँ पे वो ये घर झाड़ू लगा रहे हैं। तो गाइस मेरा तो खाना बनाना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और देखिए गैस वैस सब कुछ साफ कर दिया है, बर्तन वगैरह भी सब साफ हो गया है। बस अभी गुल्लू कुश्की को खाना खिलाऊंगी और बाहर के बच्चों को आपके भैया खाना देके आएंगे। बस हमारा काम कंप्लीट, और नहाने जाऊंगी, बस हो जाएगा झटपट से। तो गाइस देखिए मेरा तो काम कंप्लीट हो गया है, अभी गुल्लू कुश्की को खाना खिलाने बैठी हूँ। वो आप लोग को तो पता है कि वो मतलब वो लोग दोपहर में दही से राइस खाते हैं, और जिन लोगों के घर में, आप लोगों के में से जिन लोगों के घर में डॉग है, प्लीज आप लोग थोड़ा सा दही खिलाने की कोशिश करना, एक टाइम दही खिलाने की कोशिश करना। ठीक है, दही बहुत अच्छा है डॉग के गट हेल्थ के लिए, सिर्फ डॉग के नहीं सबके लिए ही हेल्दी है, लेकिन डॉग के गट हेल्थ के लिए मतलब बहुत अच्छा है। तो आप लोग दिन में एक टाइम दही से खाना जरूर खिलाना। ठीक है, हम लोग रात में चिकन देते हैं इन लोगों को और दिन में दही से खिलाते हैं। ठीक है, तो यही राइस को थोड़ा सा स्मैश करके देना पड़ता है, क्योंकि अभी इस सीजन चेंज हो रहा है ना, तो इन लोगों का खाने का बहुत नौटंकी चल रहा है, खाना खा ही नहीं रहा है अच्छे से, फिर खाना खिला देना पड़ रहा है। पूछ के तो अकेले खा लेती थी, अब उसका भी नौटंकी चालू हो गया है, एकदम खाना नहीं खाती। और देखिए गुल्लू तो ऐसे सो रही है, मतलब जन्म से 7 जन्म उसने सोया नहीं है, अब जाके उसको नींद आया है। वो खाना देखते ही वैसे छुप जाती है टेबल के नीचे, बेड के नीचे, फिर उसको लाके फिर लेटा के खाना खिलाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी खाना खिला देते हैं, फिर पिता पूजा करेगी और आपके भैया बाहर के बच्चों को खाना देंगे और मैं नहाने जाऊंगी। ठीक है, चलिए चलते कर लेते हैं। Thank you.
कार वीडियो को अच्छी गुनु करो मामा गुनु करो लीबा बल्ली। ये देखिए प्रीता, अभी शाम हो गया है, 5:30 बजे उसका ट्यूशन है, तो प्रीता ट्यूशन जा रही है रेडी होके। दिखाओ सामने क्या ड्रेस पहना है, देखिए ये पुराना है, 4-5 साल पुराना है, 3 साल पुराना है। और यहाँ पे अभी तक धुले हुए कपड़े अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ है, करूंगी मैं अभी बैठ के थोड़ा सा। हम कर देंगे, तुम करोगी? अच्छा ठीक है, चलो ये रहा उसका बैग। तो हे गाइस, गुड इवनिंग। ठीक है, मैं देखिए आपके भैया भी स्विमिंग में है, सो रहे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो मैं उठ गई थी, बेटी पढ़ने गई, 5:30 बजे उसका ट्यूशन था, वो चली गई पढ़ने। तो शाम को मैं गुल्लू कुचकी का खाना भी दे दिया है, तो उसने मतलब गुल्लू कुचकी शाम को सिर्फ बिस्किट ही खाते, तो उन लोगों को बिस्कुट दे दिया। और मैं किचन का थोड़ा काम करी, चाय बनाया, ये देखिए अभी चाय पी रही हूँ। मैं तो ग्रीन टी पीती हूँ, आप लोगों को पता है, पर कभी कभी मिल्क टी भी पी लेती हूँ। ठीक है, तो आज ग्रीन टी पी रही हूँ। और आपके भैया का ये रहा मिल्क वाला टी, मिल्क टी। आपके भैया मिल्क टी के अलावा और कोई चाय नहीं पी सकते, मिल्क टी ही पीना है उनको। तो चलिए अभी चाय पी लेते हैं। शाम का बर्तन वर्तन सब हो गया, दोपहर का खाने का जो मतलब बर्तन निकलता है शाम को सब धो दिया, चाय वगैरह सब हो गया है, अभी सिर्फ रात का रोटी बनाएंगे और कुछ वीडियोस बनाना है मेंबरशिप के लिए। এই দেখুন কত জামা পরে রয়েছে। তো গাইস আমি হল দেখি কি বানারে আমরা নেই সিফ মে আমি মে রুটি বানা রই হু আর পিঠা ও সব জো ধুলা হুয়া কাপড়া থা সবকো अच्छे से অর্গানাইজ কর রহি হ্যায়। ঠিক হে, আর আমি মে ইয়াহ পে বানা রই হু একদম গরমা গরম রুটি। तो चलिए डिनर में तो हम लोग रोटी खाएंगे और दोपहर का जो सब्जी है उसके साथ थोड़ा सा सिमैया का खीर बनाएंगे और रोटी खा लेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूं आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल में भी ज्वाइन ऑप्शन दिया हुआ है, आप चाहो तो मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलो बाय, लव यू, टेक केयर, सब लोग अच्छे से रहिए, सबका ख्याल रखिए, सबके साथ मिलकर रहिए और मेरे लिए सुनते रहिए।